आलिया राजीव गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको आलिया हां रोक रहा हूं रोक रहा हूं रोक दी आलिया राजीव राजीव कहां राजीव राजीव कोई नहीं आलिया को देखा है राजीव कोई नहीं है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं राजीव कोई कोई नहीं आ गया राजा 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 क्या राजा अरमान करेगा आसमा से दूसरी शादी, क्या आलिया होने देगी ये शादी? बात हो रही है दरअसल कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल उड़ारियां की, जिसके आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट। आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो अरमान और आसमा हैं, आलिया के जाने के बाद एक दूसरे के और करीब आ गए हैं। एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, एक दूसरे के प्रति प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया है। देखा मैंने, देखा वो वही थी, नहीं थी वहाँ पे राजेश, कोई नहीं था, कोई नहीं था वहाँ, कोई नहीं था, आलिया थी वो। आसमान जल्दी चलो वीरे, राजे वहाँ कोई नहीं था। राजा नहीं है आलिया वहाँ, राजा प्लीज आराम से। मैंने देखा आलिया दी भाभी को, कहेंगे आलिया फिर से कोई खेल तो नहीं खेल रही। वेल, आलिया जब तक थी तब तक एक के बाद एक वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाती रहती थी। फिलहाल तो भाई सुखी ने भी घर में एक नया रूल बनाया है, जहां पर उसने लाइन ड्रॉ कर दी है, औरतें इस तरफ आदमी इस तरफ, कोई भी इस रेखा को पार नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अरमान जो है आसमा को प्रपोज करता है, कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। आसमा कहती है फिर से, तो यहाँ पर अरमान कहता है हाँ साल 2024 शुरू हो रहा है तो इस नए साल पे चलो हम शादी कर लेते हैं। क्योंकि भाई देखा जाए तो फैक्ट ये है कि अरमान और आसमा की जब शादी हुई थी तो अरमान ने जबरदस्ती करी थी, यानी कि सुखी ने जबरदस्ती अरमान से आसमा की इन दोनों की शादी कराई थी। तो ऐसे में अरमान चाहता है कि ठीक है अब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम एक दूसरे से शादी करेंगे। अब दूसरी तरफ अरमान और आसमा दोनों को ये नहीं पता कि आसमा की जान जाने वाली है। वेल, आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अब शो की कहानी आगे बढ़ेगी। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।